हेलो स्टूडेंट्स, लेसन वन और लेसन टू हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम डायरेक्ट लेसन एट पे जाएंगे। लेसन वन और टू के बाद सीधे एट पे, ओके? तो लेसन एट का नाम है इंटरनेट। तो आप सभी लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया है, सभी को पता है इंटरनेट कैसे काम करता है। आप अपने मोबाइल में डाटा ऑन करते हैं और फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, यही होता है। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है, ठीक है? इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेट इज एन इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? लगभग वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स। तो जब आप अपने मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं तो आप भी उनमें कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं जब आप डाटा ऑन करते हैं, तो ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और जब आप डाटा ऑफ कर लेते हैं अपने मोबाइल का, तो आप पूरी दुनिया से, दुनिया के कंप्यूटर्स से, इंटरनेट से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? और ऑन करते ही आप कनेक्ट हो जाते हैं। इट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ओके? ध्यान रखिएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज इंटरनेट टू शेयर एंड सर्च इंफॉर्मेशन। तो दुनिया के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, मिलियंस कंप्यूटर्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अब जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है इंटरनेट पे, तो हम सर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर पे सेव होगी और हम उस दूसरे कंप्यूटर पे, हमें नहीं पता कहाँ पे है वो इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं तो सेव होगी वो, और फिर हम उसको अपने मोबाइल पे देख पाते हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो कंप्यूटर जो हमें नहीं पता कहाँ पर है, वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कुछ, ठीक है? तो हम जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो आपके मोबाइल पे नहीं है, ये वीडियो किसी अदर कंप्यूटर पे सेव्ड है, लेकिन आप इसको देख रहे हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो YouTube के कंप्यूटर्स पे ये वीडियो हम डाल देते हैं यहाँ से, और आप लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो आगे है, द इंटरनेट इज गवर्न्ड बाय सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट को कुछ कंपनियाँ हैं जो इसको गवर्न करती हैं, यानी कि चलाती हैं, मॉनिटर करती हैं, कंट्रोल में रखती हैं, ठीक है? इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स एक कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IRTF, इंटरनेशनल रिसर्च टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। एक है IAB, इंटरनेट एक्टिविटीज बोर्ड। ये लोग इंटरनेट को सिक्योर रखते हैं और उसको चलाते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं, ओके? तीन कंपनियाँ हैं ये, और आपको समझ में आ गया होगा अब इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब देखिए, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट मॉडेम। फाइंड आउट एंड राइट द नंबर ऑफ द मॉडेम विच इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, ठीक है? तो ये वायर है, पहले कंप्यूटर का वायर किससे कनेक्ट है आपको देखना है, तो उस वायर पे हम जाएंगे, कहाँ से कनेक्ट है? ये सेकंड नंबर से कनेक्ट है, पहला वाला किससे कनेक्ट है? सेकंड वाले से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेंसिल से टू। अब बी को हम देखेंगे, बी कहाँ से किससे कनेक्ट है? बी वाला आपका पहले से कनेक्ट है, तो बी के सामने लिख देंगे वन। सी वाला देखेंगे, सी किससे कनेक्ट है? सी है थ्री से, तो यहाँ थ्री लिख देंगे, ओके? फन एक्टिविटी कंप्लीटेड। सम कॉमन टर्म्स, WWW ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा। देखिए, जब हम YouTube खोलते हैं तो हम आपको खोल के दिखाते हैं, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा www.youtube.com, ठीक है? ये अपने आप आ गया इसमें, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम YouTube वेबसाइट हमें खुल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से हम वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे।
अब ऐसे ही हमें अगर अपनी स्कूल की वेबसाइट खोलनी है तो www.rrbkps.com, आई डोंट थिंक सो यही वेबसाइट है या थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है इसमें कुछ, डॉट इन होगा आई थिंक, यस डॉट इन है। देखिए तो हम इस वेबसाइट पे पहुंच गए। तो www क्या होता है ये इसको हम समझेंगे। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। www कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट। तो जब भी कोई हम वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे हमारे स्कूल की ये वेबसाइट ओपन है, देखिए ये स्कूल की वेबसाइट ओपन है। अब इसमें स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके तो हर एक वेबसाइट के पहले www लिखा जाता है। ओके आप इसे समझ गए होंगे। मिलियंस ऑफ वेबसाइट विच गिव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एनिमेशन पिक्चर्स। हम इन्फॉर्मेशन तीन तरह से निकाल सकते हैं इसमें से। कुछ लिखा होगा टेक्स्ट के फॉर्म में, एनिमेशंस डली होंगी, पिक्चर्स डली होंगी। जैसे इस वेबसाइट पे क्या है, बहुत सारी पिक्चर्स डली हैं, हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। देखिए क्लास टेंथ के रिजल्ट के बच्चों के नाम देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी गैलरीज वगैरह इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। एक बुक की तरह होती है। इंटरनेट इज लाइक अ बिग लाइब्रेरी विच कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। इंटरनेट क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पे अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट मतलब कि बुक्स हैं, ठीक है। तो इंटरनेट एक क्या है, लाइब्रेरी है सपोज, ठीक है। अब ये हमारी बुक खुली हुई है RBPS की। अब इसमें RBPS के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है, विथ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और स्टूडेंट डिटेल्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, देखिए। ओके तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट क्या है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखिए अभी क्या बताया, वेबसाइट एक बुक की तरह है। जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ऐसे इंटरनेट पे वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होंगे, यानी कि जैसे बुक में पेज होते हैं वैसे ही वेबसाइट में वेब पेज होते हैं। कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस है। अपनी वेबसाइट का क्या एड्रेस है, www.rrbkps.in। ये दुनिया में एक ही एड्रेस है, इस नाम से कोई दूसरी वेबसाइट नहीं होगी, ठीक है। यूनिक होता है ये एड्रेस। The different pages of a website are linked with each other. You can move from one page to another by clicking on these links. अब इसमें बहुत सारी लिंक होंगी, देखिए। अब जैसे इसमें कितने पेज हैं, वन पेज है, होम, अबाउट अस, एकेडमिक्स, स्टूडेंट जोन, गैलरी, ये सारे क्या हैं, पेज हैं। जैसे हम अगर स्टूडेंट जोन पे जाते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें फिर से पेज आ गए, स्टूडेंट रूल्स। स्टूडेंट के क्या रूल्स हैं, अपने इस स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए रूल्स हैं, ये लिखे हैं, देखिए। एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए रूल्स लिखे हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे पेजेस हम देख सकते हैं। दूसरा पेज है, ठीक है, अब कोई और पेज खुलेगा, या एकेडमिक्स पे जब हम जाएंगे तो एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, अब वेट, एफिलेशन, एफिलेशन पे करेंगे तो देखिए इसमें आ गया एफिलेशन नंबर, स्कूल कोड। तो स्टूडेंट्स वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, हम अलग अलग पेजेस को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कॉन्टैक्ट पेज है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो अपने स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी डिटेल्स होंगी सारी आ जाएंगी उस पे, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा स्लो, देखिए आ गया सारा डिटेल। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।